हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। गोकर्णा में सेकेंड डे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। ये ब्लॉग जबरदस्त होने वाले हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं मानवर बैक वाटर। वहाँ पर हम लोग बोट पे चढ़े। बोट पे चढ़ने के बाद जो जो हम लोग ने देखे वो आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल सीनरी है और बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम लोग ने बोट पे शूटिंग भी देखे, शूट कर रहे थे प्री वेडिंग शूट। उसके बाद हम लोग पहुंच गए मुरुदेश्वर टेम्पल। शिप का टेम्पल है और बहुत दूर भी था। हम लोग जहाँ पर घूमने के लिए गए थे वहाँ से किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा था और भीड़ भी बहुत था क्योंकि पोंगल का टाइम है। तो अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको। वो शिव का मूर्ति, तो बहुत बड़ा मूर्ति है, फेमस टेम्पल है और बीच साइड भी है। बीच साइड से ये टेम्पल बना हुआ है। ये छोटा एक मंदिर है, उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा ऐसे मंदिर था और अंदर असली शिवलिंग था जो हम लोग ने नहीं देख पाए, बहुत बड़ा लाइन था इसलिए। ये 18 फ्लोर का ये जो मंदिर है, ये 18 फ्लोर का था। इसमें लिफ्ट में, ऐसे लिफ्ट में ऊपर लेकर जाते हैं और विंडो से आप लोकेशन देख सकते हो, ऊपर से कैसा लग रहा था वो देख सकते हो। तो उसके लिए 20 करके एडल्ट और 10 करके चाइल्ड ले रहा था लिफ्ट में लेकर जाने के लिए, लेकिन मेंटेनेंस एकदम नहीं था मेरा, वो नज़र में आए इसलिए फ़ोटो ले लिया मैंने, वीडियो भी ले लिया। देखिए आप नज़ारा बाहर का ऊपर से कैसा लगता है।
क्या होटल पहुंचने के बाद चले गए और एक कैफे में एंजॉय करने के लिए, डिनर करने के लिए, डांस पार्टी करने के लिए। तो बहुत एंजॉय किया उस दिन हम लोग ने। रात को हम लोग ये कैफे यूज़ किया। तो आप भी जाओ तो ये कैफ़े ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े है और लोग भी बहुत अच्छा है इधर का। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं नेक्स्ट डे का वीडियो लेकर आऊँगी, व्लॉग लेकर आऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और